hi students uh, good morning it's uh, i am gs rao here and uh, today i am here with your new chapter uh, it's uh, class 4 marigold uh, lesson number 2 and its name is neha's alarm clock the chapter name is neha's alarm clock so today we will uh, read the chapter firsthand. Uh, understand the explanation of the chapter. So, read with me. Narrator. Narrator means the person who is saying about the story uh, about the Neha's Neha and Neha's alarm clock. Neha is a girl, and her alarm clock. So narrator. Ring, ring, ring. Off goes the alarm clock at six in the morning. Neha makes a face and, covering her ears with a pillow, snuggles under the warm blanket. But she knows she has to get up. She mutters to herself. It means नरेटर इज सेंग दैट रिंग 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 ऑफ गूस द अलार्म क्लॉक एट सिक्स इन द मॉर्निंग मीन्स सुबह सुबह नेहा जो एक लड़की है और उनकी जो अलार्म क्लॉक है वो सुबह सुबह फिट छः बजे जो है रिंग 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 करके उसको अलार्म बजता है और नेहा अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद द प्लोज और जब वो अलार्म बजता है तो नेहा अ फेस नेहा अपना चेहरा उस अलार्म को सुनकर के कुछ ऐसा बनाती है कि कुछ गुस्सा टाइप का होती है एंड कवरिंग हर ईयर्स विद द पिलो और अपने कानों को अपनी तकिया से ढक लेती है स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट और कंबल के अंदर और अच्छी तरह से और घुस जाती है अपने आप को ढक लेती है बट सी नोज शी हैज़ टू गेटअप लेकिन फिर भी वह जानती है कि उसको उठना ही पड़ेगा शी मटस टू हर सेल्फ और वो अपने आप में ही धीरे धीरे से कंबल के अंदर बड़बड़ाती रहती है नेहा दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट सिक्स एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड वो कहती हैं कि ये जो अलार्म क्लॉक है ये हमेशा छ बजे बजती है सुबह सुबह छः बजे बजती है और पुल्स में आउट और मुझे जो है अपने बिस्तर से उठने पे मजबूर कर देती है इट्स सो अनफेयर ये कितना गलत है ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर और वो कहती है कि कितना अच्छा होता कि मैं कुछ और देर तक सोती इन द मॉर्निंग सुबह के टाइम आई विश दिस क्लॉक विट फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स और वो इच्छा जाहिर करती है कि कुछ ऐसा होता कि ये जो अलार्म क्लॉक है ये काश ये अपना जो है अलार्म बजाना भूल जाती और मुझे सोने देती नरेटर समथिंग फॉल्स नेहा स्माइल्स फिर नरेटर कहता है कि कुछ गिर जाता है कुछ गिरने की आवाज़ आती है और नेहा स्माइल करती है नेहा को हंसी आती है नेहा ओ माय क्लॉक हैज़ फॉलन नेहा कहती है फिर नेहा देखती है ओ oh, उसकी जो अलार्म क्लॉक है वही गिर जाती है हाउ हैप्पी एम और फिर वो अपने आप को बहुत खुश महसूस करती है मैं कितनी खुश हूँ टमारो आई कैन गेट अप एट अप लेट फिर वो सोचती है कि कल अब अच्छा हो गया ये जो अलार्म क्लॉक है जो मुझे सुबह सुबह जगाती है ये तो अब टूट गई है एंड टमोरो आई विल गेट अप आई कैन गेट अप एट लेट और अब मैं कल सुबह जो है आराम से उठ सकती हूँ देरी से narrator नेक्स्ट मॉर्निंग there इज़ नो अलार्म और दूसरी सुबह जब वो उठती है तो कोई अलार्म क्लॉक नहीं होती है क्योंकि वो टूट चुकी है सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स और इसलिए नेहा सोती रहती है और सोती रहती है द स्मॉल चर्पी बर्ड्स और जो छोटे छोटे चर्प चर्प की आवाज़ करने वाले जो चिड़िया होती है वो विच कम्स टू दंडो स्ल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग और जो कि नेहा जिस कमरे में सोची है उस कमरे के खिड़की पे आकर के हर मॉर्निंग को अपनी आवाज़ करती है और देखती है कि नेहा जो है अभी भी सो रही है बर्ड्स वैकअप अप फास्ट और फिर वो चिड़िया उससे कहती है कि जग जाओ उठ जाओ दोस्त उठ जाओ जल्दी उठो नरेटर फिर नरेटर कहता है नेहा गेट्स अप विद स्टार्ट फिर नेहा जो है वो चिड़िया के कहने से जब चिड़िया वहाँ पे उसको बोलती है तो उसी हिसाब से उठना शुरू कर देती है नेहा ओ नो इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक It's these बर्ड्स Why don't they leave me alone? और फिर वो कहती है कि ओ नो फिर उसको जो है बड़ा अजीब सा महसूस होता है कि इफ़ इट्स नॉट अलार्म क्लॉक अब अलार्म क्लॉक नहीं है जगाने के लिए तो अब ये जो चिड़िया है ये आ गई हैं एंड वाई डोंट दी देव मी अलॉन और फिर वो सोचती है कि ये मुझे अकेला क्यों नहीं रहने देती यहाँ क्यों आती होगी मुझे सोने क्यों नहीं देती है फिर नरेटर कहता है इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू और ये इच्छा भी नेहा की पूरी हो गई द नेक्स्ट मॉर्निंग दर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक देर आर नो वर्ड्स आइदर और दूसरी सुबह जब हुई तो न केवल वहाँ पे अलार्म क्लॉक नहीं थी जो अलार्म की बेल उसको बेल जिसकी होती थी जिसके कारण वो नेहा उठती थी बल्कि वहाँ पे जो वर्ड्स थी वो भी उस दिन वहाँ पे नहीं थी बट देर इज समन एल्स हु डज़ नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस लेकिन वहाँ पे कोई था जो उसको उसकी स्कूल बस को मिस होना नहीं देना चाहता था कैन यू गेस हु इज़ इट हु इट इज़ कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं वो कौन हो सकता है द बिग ब्राइट सन और वो क्या कौन था वो हमारा चमकीला सुबह का सूर्य था ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल और वो जो सूर्य भगवान की जो रोशनी उसके कमरे में पड़ती थी तो वो उसको कमरे को सुबह सुबह की वार्म स्माइल जो है से भर देता था नेहा ओ माय आईज नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप व्हाई कांट ही लेट मी बी अब फिर नेहा ने जो सूर्य की रोशनी उसके कमरे में पड़ती थी उससे भी उसको चिड़ हो गई वो कहने लगी ओ माई आईज़ क्योंकि वो उसकी सीधे आँखों पे पड़ती थी कि मेरी आँखों पे, ओ मेरी आँखों पे अब रोशनी पड़ रही नाव इट्स द सन अब जो है सूर्य भगवान अब अलार्म क्लॉक नहीं है बर्ड्स नहीं है लेकिन अब सूर्य भगवान सूर्य की रोशनी है जो मुझे वैकिंग में अब जो मुझे जगा देती है वाई कान्टी लेट मी बी कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये ये भी मुझे सोने दे ना आए और मुझे सोने दे नरेटर इवन दिस विस ऑफ नेहाज कम्स टू और यहाँ तक कि नेहा की ये इच्छा भी पूरी हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज़ बिहड द क्लाउड्स और दूसरी सुबह जब सुबह का टाइम था तो जो सूर्य भगवान भी थे वो बादलों में छुप गए क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए थे सो नेहा स्नोस टिल सी हर मदर्स बॉयस इसलिए नेहा खूब खर्राटे मार के आ, सो रही थी सोती ही रही सुबह के टाइम जब तक कि उसकी मम्मी उसको आवाज़ मार के जगा ना देती मदर अप स्लीपी हेड यू विल मिस द बस फिर उसकी माँ ने सुबह सुबह आवाज़ लगाई कि उठ जाओ सोए हुए बच्चे आपकी बस छूट जाएगी आप खड़े उठ जाओ अब स्कूल की बस आपकी छूट जाएगी मिस हो जाएगी नेहा ओ नो वाई डज मदर हैप टू अप मी और फिर वो कहने लगी कि ओ नो मोम अपनी मम्मी के लिए कहने लगे वाई डज मदर हैप टू अप मी मम्मी आप मुझे क्यों उठा रही हो नरेटर देर इज नो स्केप नाव और अब उसके पास बचाव के लिए कुछ भी नहीं था नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी नेहा खड़ी उठी और तैयार हो गई कैन यू इमेजिन वॉट हैपन्स क्या आप इमेजिन कर सकते हैं क्या हुआ होगा द नेक्स्ट डे दूसरे दिन उसके साथ नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट और नेहा अपने टाइम से खड़ी उठ गई हर वॉच सेज इट्स सिक्स ओ क्लॉक और जिस टाइम उसकी घड़ी उससे बोलती थी कि अभी छः बज गया और अलार्म बजने लग जाता था सी कॉल्स आउट टू हर मदर और वो उसी टाइम अपनी मम्मी को आवाज़ लगा के बुलाने लगी नेहा माँ हु वॉक मी अप टुडे और फिर उसने अपनी माँ से कहा कि मम्मी अब मुझे इस टाइम कौन जगाता है नरेटर मदर स्माइल्स फिर नरेटर कहता है कि उसकी मम्मी ने स्माइल किया उसकी बात सुन करके मदर हु एल्स यू कोर्स फिर उसकी माँ ने कहा कि कौन हो सकता है यू कोर्स आप खुद ही उठ जाती हो जग जाती हो अपने आप जगती हो आप नेहा बट आई was स्लीपिंग हाउ could I? लेकिन नेहा कहती है कि मैं तो सोती रहती हूँ और मुझे सोना भी पसंद है ज़्यादा हाउ कुड आई तो मैं कैसे हो सकती हूँ कि मैं खुद ही अपने आप को उठा रही हूँ मदर नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट वन इन द आफ्टरनून फिर उसकी माँ ने कहा अब मेरी बात सुनो कि हाउ डू यू ईट आप कैसे अपना जो डेली का जो लंच होता है दिन का खाना फिट एक बजे दिन में दोपहर में एक बजे हमेशा कैसे खा खाती हो नेहा आई फील हंगरी फिर नेहा ने कहा क्योंकि मुझे भूख लगती है उसी टाइम भूख लगती है मदर वाई डू यू स्लीप एट नाइन एवरी नाइट और फिर उसकी माँ ने कहा कि तुम हमेशा रात को फिट नौ बजे ही क्यों सोती हो फिर नेहा ने कहा बिकॉज आई फील स्लीपी। फिर नेहा बोलती है क्योंकि मुझे उस समय नींद आती है मदर देर इज़ अ क्लॉक इन साइड यू विच टेल्स यू वेंट टू ईट वेंट टू स्लीप एंड वेंट टू वैकअप फिर उसकी माँ ने उसको समझाया कि देर इज़ अ क्लॉक आपके इनसाइड यू आपके अंदर भी एक घड़ी है विच टेल्स यू वेंट टू ईट जो आपको बताती है कि किस समय खाना चाहिए किस समय सोना चाहिए एंड वेंट टू वैकअप किस समय जगना चाहिए नेहा ओ उहो, आई वेटर रस नाव आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस फिर नेहा ने कहा तब उसकी समझ में आया कि ओ आई फेटर रसनाओ अब तो मुझे भागना चाहिए आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस और जब वो बात इतनी देर तक बात करती रही मम्मी से तो उसको अपनी स्कूल की याद आई और उसको लगा और वो भागने लगी बस की तरफ कि अब मुझे अपनी बस नहीं छोड़नी है मुझे भागना है मदर रिलैक्स टुडे इज संडे और फिर उसकी मम्मी ने कहा कि शांत रहो आज तो संडे है फिर नेहा ओ ओ फिर उसको आश्चर्य हुआ कि ओ अब ये तो मुझे पता ही नहीं था सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट एज मोस्ट ऑफ द पीपल्स एंड द चिल्ड्रन इन द मॉर्निंग टाइम दे फील स्लीपी एंड They want to sleep more in the morning time and uh, they think uh, mostly when their mother, parents, uh, they are calling them for getting up in the morning and they thought that why they are calling them and why uh, they are uh, saying them to get up. So, uh, for the same, uh, the story is there, was there so it was a nice story about alarm clock so you have to read the story once again and understand the story and this story was uh, written by uh, girija rani asthana the writer of the story is girija rani asthana now come to the सम डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस लेसन एंड दीज आर द न्यू वर्ड्स फर्स्ट इज स्नगल्स 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 मीन्स घुस जाना टू कवर अप कवर अपर्ड टू बी कवर्ड मतलब कवर हो जाना किसी चीज़ से अपने आप को ढक लेना देट इज़ कॉल्ड स्नगल्स मटर्स मटर्स मीन्स बड़बड़ाना आपस में अपने आप मुंह के अंदर ही कुछ बोलना विंडो सिल विंडो सिल मीन्स विंडो की जो खिड़की की जो सिल होती है जहाँ पे खिड़की का थोड़ी सी जगह होती है दैट इज कॉल्ड विंडो सिल रिलैक्स रिलैक्स मीन्स रेस्ट आराम सो दीज वर द वर्ड्स हेयर And uh, once again, uh, you have to uh, see the words uh, with me. First is snuggles, matos, windowsill, and relax. Now <clears throat> come to the.

नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाट डी दर्ड से चिड़िया क्या कहती है चिड़िया उसको क्या बोलती है वर्ड से इज वैकअप थर्ड क्वेश्चन इज वाट इज इंसाइड यू दैट मेक्स यू गेटअप एट द सेम टाइम एवरी डे तो वो कौन सी चीज है जो आपके अंदर खुद आपको हर प्रतिदिन आपको जगाती है तो दैट इज़ आवर बॉडी क्लॉक हमारे शरीर के अंदर भी एक घड़ी है जो हमको हर समय सही टाइम पे हर चीज़ हर काम अपने आप करवाती है नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर सो यू हैव टू पुट द लेटर्स इन राइट ऑर्डर आंसर इज e smile first resembled uh, uh, letters right word will be smile next is alarm and next is clock and afterward morning snored window <coughs> and uh, you will be finding in your uh, notebook there are <coughs> Some jumbled words, so you have to write the answer as it is given here. <coughs> now, next question. Uh, fifth question is listen to the sound when you are on your ways to school, discuss with your friend and the sound that you heard, list them here. सो दिस क्वेश्चन इज़ अबाउट दैट when यू आर द वे ऑफ द स्कूल जब आप स्कूल आ रहे होते हैं रास्ते में होते हैं तो जो बच्चे आपस में जो डिस्कस करते हैं आपके दोस्त आपके साथ डिस्कस करते हैं वो जो बातें होती हैं जो साउंड होती है वो आपने सुननी है और यहाँ पे uh, <coughs> लिखनी है <coughs> सो दैट्स आंसर विल बी साउंड यू हार्ड साउंड योर फ्रेंड हार्ड और जो आवाज़ आपने सुनी और जो आपके दोस्त ने सुनी तो साउंड ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड यू हैव हार्ड साउंड ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड तो आपको ट्रैफिक जो गाड़ियाँ चलती है जब आप स्कूल आते हैं तो जो गाड़ियाँ व्हीकल्स जो भी सड़क पर चलते हैं उनकी आवाज़ आपको सुनाई देती होगी क्लियर सो यू हैव टू राइट द सेम हेयर वही आपने यहाँ पे लिखना साउंड ऑफ़ ट्रैफिक ऑन रोड एंड योर फ्रेंड साउंड ऑफ कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स और आपके दोस्तों का क्या होता है तो आपके दोस्त अपने दोस्तों से आप भी अपने दोस्तों से और आपके दोस्त अपने दोस्तों से बातें करते रहते हैं तो साउंड ऑफ कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स साउंड ऑफ़ टॉकिंग और आप जब स्कूल आते तो बात भी करते होंगे एक दूसरे से तो साउंड ऑफ टॉकिंग एंड योर फ्रेंड साउंड ऑफ़ शटर्स ऑफ शॉप ओपनिंग एंड व्हेन यू आर कमिंग मॉर्निंग टाइम इन द स्कूल सो देन ऑन द वे यू कैन सी मैनी ऑफ द शॉप्स वुड बी ओपनिंग एट द सेम टाइम उसी टाइम कुछ शॉपकीपर्स होते हैं अपनी दुकानें खोलते हैं तो उसके शटर की जो आवाज़ होती है वो आप सुन सकते हैं देर आर द आंसर्स नेक्स्ट इज साउंड ऑफ कूल विंड ठंडी ठंडी हवा जो सुबह के टाइम चलती है उसकी साउंड चर्पिंग ऑफ बर्ड्स चिड़ियों की आवाज हॉर्न ऑफ रिक्शा रिक्शे के हॉर्न अर्ली इन द मॉर्निंग मिल्क मैंस बॉयस एंड रेडियोज सो दीज वर द साउंड्स यू कुड हेयर इन द मॉर्निंग सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ देर इज नो क्लॉक इन द हाउस टू वेकअप इन द मॉर्निंग हाउ विल यू वेकअप विल यू कंटिन्यू टू स्लीप और नो सो कि अगर आपके घर में कोई अलार्म क्लॉक नहीं हो और uh, आप कैसे जगेंगे क्या आप सोते रहोगे कि खड़े भी उठोगे सो दैट्स आंसर विल बी नो आप सोते नहीं रहोगे खड़े तो उठोगे ही आई विल बैकअप बाय द साउंड ऑफ चर्पिंग ऑफ बर्ड्स बेल ऑफ द टेम्पल और ड्यू टू द लाइट ऑफ ब्राइट सन दैट विल बी स्प्रीड इन माई रूम इन द मॉर्निंग तो ये सारी चीज़ें आपको जगा सकती हैं और आपको उठना ही पड़ेगा आप सोते नहीं रहोगे नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे तो दिन में टाइम को जानने समय को जानने के बारे में क्या क्या चीज़ें जिससे हमको टाइम का पता चलता है दिन में घड़ी के अलावा तो दोज आर द देर आर मैनी वेज टू नो द टाइम फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज लिस्निंग टू द रेडियो टेलीविज़न सो आप रेडियो पे टेलीविज़न पे, टीवी पे आप देख करके आपको टाइम का पता चल सकता है नेक्स्ट इज आस्किंग हु होनोज आप किसी को पूछ सकते हैं जो टाइम के बारे में जानता है एंड थर्ड इज़ वाइज जजिंग द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट और आप सूर्य की रोशनी से पता लगा सकते हैं कि किस समय क्या टाइम हो रहा होगा So these and these are the regions of knowing the time. So next question is find the hidden words. You have to find out the hidden words. There would be some hidden words, and uh, <coughs> uh, there are the letters written there, and you could you have to join the letters and make the words. <coughs> so like it is uh, in this table. Uh, <coughs> Is already made and uh, uh, shown in the blue line. <coughs> so you have to do in the same way in your book. Now, next question: Who said these words and whom? Answer: that's answer will be wake up, dear, wake up fast. Who said it? So

मदर नेहा ने अपनी माँ से कहा था वाई डू यू स्लीप एट नाइन एवरी नाइट और ये किसने कहा कि आप फिर नौ बजे ही रात को क्यों सोती हो तो दीज वर्ड सेड बाय हर मदर टू नेहा तो ये उसकी माँ ने कहा था अपनी लड़की नेहा से सो यू हैव टू राइट इन द सेम वे now next question is fill in the blanks uh, would be given in your notebook uh, so book <coughs> so in the same way you have to fill up all these uh, uh, blanks <coughs> uh, space here so first is <coughs> ram a good football flair so ram was you will write in the uh, blank space was there answer will be was next is the cows grazing in the field so the cows were grazing in the field because uh, we have to use all these sentences in the past tense and that is why we are using was and were because always story is going uh, being written in the past tense <coughs> so next sentence is my toy is broken so my toys were broken her frog too long so her frog was too long the market closed the market was closed you have to fill the was there the children das happy so the children were Happy, you have to write happy. Were there the flowers were kept in a vase? So you have to write fill up the species as is given in the answers. So, <coughs> in this way, we have finished the chapter here and uh, all the Question answers and word meanings. So, in the same way, you have to write down the question answer and word meanings in your notebook and learn the uh, question answer word meanings and read the chapter accordingly. Thanks uh, once again, and uh, please like and share my video and uh, if you did not subscribe uh, yet my channel so please subscribe my channel on red button you have to press the red button and bell icon and press both of them and then you have to oh, press on the like button <coughs> so thanks